नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ हो चुका है संपूर्ण भारत में। तो दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि अब संपूर्ण भारत में एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको नौकरी दी जाएगी अगर आपके परिवार की स्थिति वीक है तो, और आप एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और दोस्तों, साथ में ही एक सुनहरा मौका सरकार आपको दे रही है अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। तो दोस्तों, इसकी कुछ शर्तें हैं, वो क्या शर्तें हैं वो आज इस वीडियो में जानेंगे, और साथ में ही जानेंगे कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है, और दोस्तों एक परिवार के कितने सदस्य इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए क्या एज लिमिट रहने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और नौकरी किस विभाग में लगने वाली है। और साथ में ही दोस्तों, आपको एक परिवार एक नौकरी योजना में अपनी नौकरी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें, जिससे कि इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। और दोस्तों, एक परिवार एक नौकरी योजना के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है एक परिवार एक नौकरी योजना 2024 ऑनलाइन फॉरम या रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, यदि आप एक परिवार एक नौकरी योजना 2024 के लिए एक परिवार एक नौकरी योजना में ऑनलाइन फॉरम 2024 की तलाश कर रहे हैं तो, जो कि अब राज्यवार स्तर पर उपलब्ध हो गई है, यानी कि दोस्तों यह प्रत्येक राज्य में यानी कि ऑल इंडिया में शुरू कर दी गई है, राज्य स्तर पर भी शुरू कर दिया गया है। यह योजना प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की है। इसके साथ ही इस लेख में एक परिवार एक सरकार नौकरी योजना 2024 के बारे में नवीनतम अपडेट हिंदी में उपलब्ध होंगे। और दोस्तों, एक परिवार एक नौकरी योजना 2024 में रुचि रखते हैं तो दोस्तों नीचे दिए गए लिंक पर एक परिवार एक नौकरी योजना 2024 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, साथ में ही स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है भारत सरकार द्वारा भारत के सिक्किम राज्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से एक परिवार एक नौकरी योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये सिक्किम में शुरू की गई थी, ओनली फॉर सिक्किम के लिए, जिसके माध्यम से आर्थिक स्थिति में कमजोर वर्ग के परिवारों को किसी एक परिवार को भारत सरकार द्वारा एक नौकरी दी जाएगी, जिसके माध्यम से वह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकता है। दोस्तों, सबसे पहले ये योजना सिक्किम में स्टार्ट की गई थी, लेकिन अब पूरे भारत में स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पे दिया गया आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, कमजोर परिवार में से नौकरी हेतु महिलाएं तथा पुरुष दोनों में से कोई भी आवेदन करके नौकरी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं नेम ऑफ स्कीम की, तो यहाँ पे है एक परिवार एक नौकरी योजना, और दोस्तों इंट्रोड्यूस बाई, यानी कि फर्स्टली ये सिक्किम में शुरू किया गया था लेकिन वर्तमान में ऑल इंडिया में शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों, फॉर्म आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे नोट दे रखा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से शुरू की गई एक परिवार एक सरकारी नौकरी के लिए कुछ ऐसी वेबसाइट गूगल पर लोगों के माध्यम से पब्लिश कर दी जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन की प्रक्रिया करने हेतु किसी भी प्रकार का कोई शुल्क की मांग नहीं की जाएगी, यानी कि ये निःशुल्क रखा गया है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पात्रता मानदंड एक परिवार एक नौकरी योजना हेतु। यदि आप एक परिवार एक नौकरी योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तब आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। इन पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद ही आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो दोस्तों, कौन कौन से मानदंड दिए गए हैं, यहाँ पे दिया गया पहला मानदंड, इच्छुक आवेदक भारत सरकार केवल एक परिवार के सबसे योग्य केवल एक ही अभ्यर्थी को सरकारी रिक्त पदों पर नौकरी करने का मौका देगी।
एक परिवार के दो सदस्य एक परिवार एक नौकरी योजना 2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, यानी कि एक परिवार में से एक ही कैंडिडेट को नौकरी दी जाएगी। दोस्तों एज लिमिट रहने वाली है 18 से 55 ईयर। दोस्तों अभ्यर्थी को आवेदन पत्र की किसी भी प्रकार की फीस जमा नहीं करवानी होगी, यानी कि निःशुल्क रखा गया है। और दोस्तों बात कर लेते आवश्यक दस्तावेज, यानी कि दस्तावेज कौन कौन से चाहिए। एक परिवार एक नौकरी योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आपके पास में दस्तावेजों को होना अनिवार्य है, यानी कि दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। तो दोस्तों कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होना अनिवार्य है? यह आवेदन हेतु आवेदकों के पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए। आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। उम्मीदवार के पास निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक का आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, अधिवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, उसके साथ में कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आवेदक का बोनाफाइड प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है हाउ टू अप्लाई फॉर फिल एक परिवार एक नौकरी स्कीम ऑनलाइन फॉर्म 2024, यानी कि किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। यदि आप एक परिवार एक नौकरी योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तब आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की सभी प्रक्रिया हमने आपके स्टेप बाय स्टेप नीचे दी गई है। तो दोस्तों कौन कौन सी स्टेप का पालन करना है? तो दोस्तों यहाँ पे है, सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, इसके बाद में पीडीएफ के रूप में आधिकारिक अधिसूचना प्राप्त करें और उसे अच्छी तरह से रीड करें। किसी भी जानकारी देने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधित फॉर्म को ध्यान से पढ़ें। यहाँ से एक परिवार एक नौकरी योजना 2024 के नए पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद में दोस्तों पंजीकरण फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें, जैसे कि नाम भरना है जो कि अपने आधार कार्ड या प्रूफ आईडी में हो, वहीं उसमें नाम भरना है, वहीं पिता का नाम भरना है और माता का प्रथम नाम ही इसमें भरना है, खुद की जन्म तिथि भरनी है, चालू मोबाइल नंबर और दोस्तों ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप यूज कर रहे हैं वही यहाँ पे लगानी है, स्थायी संख्या आदि को दर्ज करना है। उसके बाद में दोस्तों सभी आवश्यक दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, योग्यता दस्तावेज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें, यानी कि अपलोड करना है। और दोस्तों उसके बाद में पुरुष उम्मीदवार बाएं अंगूठे का निशान लगाए और महिला उम्मीदवार दाहिने का निशान लगाना है, यानी कि दाहिने अंगूठे का निशान लगाना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, अब रिव्यू के विकल्प पर क्लिक करके फॉर्म आप फिर से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों सभी जानकारी को ध्यान से देखने के बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। दोस्तों अभी तक इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये नोटिफिकेशन ही डाला गया है। जब इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो दोस्तों ये जानकारी थी एक परिवार एक नौकरी योजना के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों ऐसे नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।